पेंगोंग में चीन की सेना की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना ब्लैक टॉप पर कब्जा करना चाहती थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप से चीन के सर्विलांस सिस्टम को हटा दिया है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन के साथ ताजा हालात की समीक्षा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने भी LAC के हालात की समीक्षा की। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि बातचीत से सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है, लेकिन स्थिति सामान्य बनाने के लिए भारतीय सेना को पीछे हटना होगा। चीन का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद की समस्या तो है, साथ ही उन्होंने कहा है कि चीन कभी भी स्थिति को तनावपूर्ण नहीं बनाएगा। लद्दाख में ताजा घटनाक्रम के बाद चुशुल में इस समय भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की मीटिंग हुई। चीन की सेना ने 29 और 30 अगस्त की रात पेंगोंग के दक्षिण में अचानक मोर्चा खोल दिया था। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और चीन के रिश्ते दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया के लिए अहम है, इसलिए दोनों पक्षों के लिए जरूरी है कि वो समझ या संतुलन पर पहुंचे। US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम में एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया के हर देश की तरह ही भारत भी चीन की उन्नति से परिचित है, लेकिन भारत की तरक्की भी एक वैश्विक गाथा है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच 4 महीने से सीमा विवाद चल रहा है, और हाल ही में चीन ने दोबारा बातचीत की आड़ में भारतीय सीमा पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना उन्हें खदेड़ने में कामयाब रही। भारत में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले सरकार की सारी कोशिशों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में देश में 70,000 के करीब नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 819 लोगों की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 37 लाख के करीब पहुंच चुका है, जबकि अब तक करीब 65,300 लोगों की मौत हो गई। रात की बात यह है कि अब तक 28,39,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। देश में अभी कोरोना के करीब 7,86,000 एक्टिव केस मौजूद हैं। देश में रिकवरी रेट की बात करें तो ये 70% के पार पहुंच चुका है, जबकि संक्रमण रेट अब भी 8% के आसपास है। भारतीय रेलवे जल्द ही करीब 100 और ट्रेनें चलाने की घोषणा कर सकती है। फेस्टिव सीजन को देखते हुए रेलवे इसकी तैयारी कर रही है। अभी रेलवे केवल 230 एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है, जिनमें 30 राजधानी ट्रेनें शामिल हैं। इन सभी को स्पेशल ट्रेन की तरह चलाया जा रहा है। जिन 100 ट्रेनों को चलाने की तैयारी है, उन्हें भी स्पेशल ही रहेगा। ये ट्रेनें इंटर स्टेट चलेंगी और इंट्रा स्टेट भी होंगी। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय को गृह मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार है। केंद्र सरकार ने 7 सितंबर से दिल्ली में मेट्रो चलाने का फैसला किया है, लेकिन दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए अब टोकन नहीं मिलेगा। सभी यात्रियों को सफर के लिए मेट्रो कार्ड बनवाना होगा। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक टोकन से वायरस फैलने का खतरा है। स्मार्ट कार्ड का रिचार्ज पेमेंट भी डिजिटल तरीके से ही होगा, कैश नहीं चलेगा। मेट्रो स्टेशन और कोच के अंदर मास्क पहनना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर आप पर जुर्माना और कार्रवाई हो सकती है। यात्रियों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रहना होगा, और मेट्रो सभी स्टेशनों पर नहीं रुकेगी, कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर ही मेट्रो को रोका जाएगा। कोरोना काल में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत की इकॉनमी भी माइनस में जा पहुंची है। इस पर कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। चिदम्बरम ने कहा कि वो GDP में गिरावट से बिल्कुल भी हैरान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को इसे लेकर चेतावनी भी दी थी। सिर्फ 3 दिन पहले ही RBI ने अपने रिपोर्ट में इसका संकेत दिए थे, लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई ये जानता था कि भारत की इकॉनमी का संकट गहराने वाला है, पूरा देश इसकी कीमत चुका रहा है। संसद के लंबित मॉनसून सत्र के शुरू होने की तारीख जैसे नजदीक आ रही है, सरकार सदन का कामकाज ठीक ढंग से चलना सुनिश्चित करने के लिए कमर कस रही है। खासतौर पर COVID-19 महामारी की वजह से मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने यह तैयारी करी है। 14 सितंबर से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र बिना कोई अवकाश 1 अक्टूबर तक चलेगा। संसद के दोनों सदनों की कुल 18 बैठकें होंगी।
हर दिन के पहले चार घंटे राज्यसभा काम करेगी और अगले चार घंटे लोकसभा। हालांकि सत्र के शुरुआती दिन पहले हाफ में लोकसभा की बैठक होगी। देश में फेसबुक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर आरोप लगाते हुए कहा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप देश के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर हमला कर रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस ने फेसबुक के बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच को कथित तौर पर नजरअंदाज करने के मामले में मार्क जकरबर्ग को पत्र लिखा था। राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर फेसबुक और व्हाट्सएप के हमले को पूरी तरह से उजागर किया है। हमारे देश के मामलों में किसी को भी, चाहे वो विदेशी कंपनी हो, हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उनकी तुरंत जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर सजा मिलनी चाहिए। सियासत के शिखर पुरुष और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजकीय सम्मान के साथ लोधी शमशान घाट पर प्रणब दा पंचतत्व में विलीन हुए। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को आर्मी हॉस्पिटल से 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास में लाया गया, जहां राष्ट्रपति के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। मोदी कैबिनेट की बैठक में भी प्रणब दा को श्रद्धांजलि दी गई।